वेलकम टू द विजडम इंग्लिश क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 11th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स पार्ट टू. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड पार्ट वन ऑफ दिस लेसन एंड नाउ इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन. तो हम लोग ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि मुराद आरम को नीचे उतार देता है और उसको कहता है कि मैं अकेले थोड़ा हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ, और मुराद उतर जाता है इस कंडीशन के साथ कि उसे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलेगा. और जैसे ही मुराद उतर जैसे ही आरम घोड़े से उतरता है नीचे, तो मुराद क्या करता है, घोड़े को अपने हील से नॉक करता है उसके पेट में और उसको आवाज़ देता है, चिल्लाता है साउटेड वज़ाय रन. और जैसे ही उसे ये ऑर्डर मिलता है, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने आगे के पैरों पे, हिंड लेग्स कहा जाता है घोड़े के आगे के पैर को, खड़ा हो जाता है और वो स्नॉर्ट करता है. जो घोड़े स्नॉर्ट करते हैं तो स्नॉर्ट करता है एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और पूरा फुल स्पीड के साथ दौड़ना शुरू कर देता है हॉर्स. ये सब चीज़ें देख के और आराम को काफ़ी वंडरफुल लगता है, और आराम ये महसूस करता है दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये सबसे खूबसूरत ये मोमेंट्स आराम के लिए रहता है. माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. कहाँ ले जाता है मुराद उस घोड़े को, दौड़ाते दौड़ाते किधर ले जाता है, अक्रॉस द ड्राई ग्रास ऑफ एन इरीगेशन डिच, जो सिंचाई के लिए जो डिचेस बनाए जाते हैं, तालाब वगैरह हो सकते हैं, उस साइड में ले जाता है. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और डिच को क्रॉस भी कर जाता है हॉर्स पर बैठे बैठे. एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग विट, और 5 मिनट के बाद लौटता है, और वो कैसी स्थिति है उसकी, ड्रिपिंग वेट, काफ़ी पसीना आ रहा है, बिल्कुल वेट हो गया है. द सन वॉज कमिंग अप, और अभी अब सुबह हो रही है, सूरज अब निकल रहा है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, फिर आरम कहता है कि अब मुझे मेरा अब चांस है हॉर्स राइड करने का. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मुराद उतर जाता है घोड़े से. राइड ही सेड, और कहता है आराम को ठीक है तुम आ जाओ. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. घोड़े पे आराम चढ़ तो जाता है, लेकिन क्या करता है, लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के पीठ पे वो चढ़ जाता है. एंड फॉर ए मोमेंट, लेकिन कुछ देर के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, थोड़ा सा वो ऑफुल फियर है उसके, डर भी है, क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है हॉर्स राइडिंग के लिए, उतना ट्रेंड नहीं है, और उतना डेयर भी नहीं कर पाता है जितना मुराद कर सकता है. द हॉर्स डिड नॉट मूव, और हॉर्स तो बिल्कुल भी मूव नहीं किया. तब फिर मुराद उसको बताता है, किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद से कज़न बताता है उसके मसल्स को किक करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. और कहता है जल्दी करो, क्योंकि सुबह होने से पहले, जब लोग जग जाएं उससे पहले ही हमें इस घोड़े को छुपा देना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स,
जैसा कि मुराद उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो हॉर्स को किक करता है। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, और फिर से वो हॉर्स क्या करता है उसी तरह से स्नॉर्ट करता है जैसे मुराद के टाइम में किया है। देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और जब हॉर्स दौड़ना शुरू कर देता है तो आरम को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, इरीगेशन डिच की तरफ इसे दौड़ना चाहिए, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, तो वाइन यार्ड की तरफ वो हॉर्स दौड़ने लगता है। ऑफ डिक्रेन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और जो वाइन्स वगैरह ग्रेप्स वगैरह की वहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे ग्रेप वाइन तैयार भी होते हैं, उस तरफ वो दौड़ते चला जा रहा है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और फिर हॉर्स दौड़ते रहता है, आराम अपना कंट्रोल मिस करता है और फिर गिर जाता है घोड़े से। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और अभी भी हॉर्स दौड़ ही रहा होता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, फिर मुराद दौड़ते दौड़ते आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, और कहता है आराम को कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, पहले हॉर्स का पता करो कि वहाँ कहाँ चला गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, और आराम को कहता है कि तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, और देखते हैं हॉर्स कहाँ है। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो जैसे ही तुमको पता चलेगा हॉर्स का तुरंत मैं भी आ जाऊँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टू वॉच द इरीगेशन डिच, आराम तो रोड साइड में ही जाता है लेकिन मुराद इरीगेशन डिच की तरफ बढ़ता है। इट टूक हीम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधे घंटे लगते हैं हॉर्स फिर से मिल जाता है। एंड ब्रिंग हीम बैक, उसे वापस लाता है। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू आई सेड, और तब तक सुबह हो चुकी होती है, सारे लोग जग जाते हैं, और फिर हॉर्स को छुपाना भी है, तो फिर ये पूछता है कि अब क्या किया जाए। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मुराद कहते हैं कोई बात नहीं, इसे छुपा देते हैं, या तो बैक ले जाएंगे या फिर छुपा देते हैं, कल मॉर्निंग में फिर से इंजॉय किया जाएगा। He didn't sound worried, बिल्कुल भी वो वरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसे। And I knew he would hide him and not take him back. और आरम को पता है कि वो वापस नहीं लौटाएगा हॉर्स को, वो उसे छुपा ही देगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, और फिर आराम पूछता है कहाँ छुपाएंगे इसे। आई नो ए प्लेस ही सेड, और मुराद कहता है कि मुझे पता है कहाँ छुपाना है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, आराम फिर पूछता है कितना दिन पहले से तुमने इस हॉर्स को चुराया हुआ है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. क्योंकि आरम को पता है कि this is not the first day, वो पहले से ही हॉर्स को चुरा के उसको रोज़ सुबह enjoy कर रहा होता है, और चूँकि मेरे पास इसलिए आया है कि मैं खुद भी हॉर्स राइडिंग enjoy करना चाहता हूँ, और इसे पता है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स ही सेड, फिर पूछता है स्टीलिंग ए हॉर्स की बात कहाँ से आ गई, कौन कहा तुमको। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, फिर वो थोड़ा सा चेंज करता है अपने स्टेटमेंट को, कहता है कि कोई बात नहीं, कितने दिनों से तुम हॉर्स राइडिंग सुबह में मज़ा ले रहे हो हॉर्स राइडिंग। Not until this morning, he said.
आर यू टेलिंग द ट्रुथ? वो कहता है कि नहीं नहीं इससे पहले तो नहीं लिया। फिर वो उसे डाउट होता है, आराम को कहता है कि सही कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़ा जाएं कभी तो यही कहना है कि आज ही तो हमने इंजॉय किया हुआ था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, लेकिन आराम कहता है कि हम दोनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मैन, क्योंकि पता है कि आज ही हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हॉर्स राइडिंग को। ऑल राइट आई सेड, वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेसवेजियन। तो वो कहाँ छुपाते हैं हॉर्स को? टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड। वाइन यार्ड कहते हैं जहाँ पे ग्रेप वाइन्स तैयार किए जाते हैं, वहाँ उसी को वाइन यार्ड कहते हैं। और एक बहुत ही पहले एक प्राइड फार्मर का वो वाइन यार्ड रहता है जिसका नाम फेसवेजियन होता है। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, बाद में कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाफा भी हैं। वी बिगेन वॉकिंग होम, फिर वहाँ छुपा के फिर वापस घर लौट आते हैं। इट वाजेंट ईजी, कि आसान तो बिल्कुल नहीं था इतने बड़े घोड़े को चुराना, फिर इसको इंजॉय करना रोज़ सुबह, फिर छुपा देना। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, और हॉर्स अपने ही जो घुड़सवार होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन वो मानते हैं, लेकिन ये मुराद ही ऐसा है जो हॉर्स के साथ अपना एडजस्टमेंट कर रखा है। और एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। मुराद फिर बताता है कि इस हॉर्स को, हॉर्स के साथ फ्रेंडली होना बहुत डिफ़िकल्ट था, इतना आसान नहीं था। कि पहले तो ये वांटेड टू रन वाइल्ड, बहुत तेज़ी में दौड़ना चाहता था। आई हैव, लेकिन मुझे आप तुम्हें तो पता है कि आई हैव ए वे विद द हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। लेकिन मुराद कहता है कि हॉर्सेस तो मुझे समझते हैं, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मैं हॉर्स के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन डिवलप कर देता हूँ। हाउ डू यू डू इट आई शेड, फिर आराम पूछता है उसे ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, यस बट वाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। और फिर आराम भी कहता है कि मुझे भी मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हॉर्स के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूँ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, फिर मुराद कहता है उससे कि अभी तुम बच्चे हो। वेन यू गेट टू बी 13, तुम 13 के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम्हें पता होगा कैसे ये सब कुछ होता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, फिर घर पे जाके वो अच्छा ब्रेकफास्ट करता है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, और उसी आफ्टरनून में अंकल खुसरो उसके घर आते हैं फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, आगे वाले रूम में वो बैठते हैं जो सिटिंग रूम होता है, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और फिर वो कॉफ़ी के साथ सिगरेट भी पी रहे होते हैं और अपना ओल्ड कंट्री जहाँ से वो बिलोंग करते थे उसकी बात वो करने लगते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर दूसरा आदमी आ जाता है, ए फार्मर नेम जॉन ब्रायो, और ये जॉन ब्रायो नाम के एक फार्मर हैं, एन एसीरियन, एक ये एसीरिया से बिलोंग करते हैं इसलिए एसीरियन हैं, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, वो अकेले ही रहते हैं, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, आर्मेनियन भी उन्होंने सीख रखा है।
माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वो भी सिगरेट और कॉफ़ी के साथ इंजॉय करने लगते हैं। आरम की मम्मी उनके लिए भी सिगरेट लाती है, टोबैको लाती है जो रोल करके सिगरेट बना लेते हैं, और कॉफ़ी लाती है उनके लिए। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और फिर दुखी होकर बेचारे कहते हैं, ही सेड माई वाइट हॉर्स व्हिच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, और कहते हैं कि मेरा जो वाइट हॉर्स था पिछले मंथ ही चोरी हो गया है और अभी तक मिला नहीं है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आता कहाँ चला गया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, इतना सुनना था कि अंकल खुसरो शुरू हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या हुआ एक हॉर्स चला गया तो, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना होमलैंड नहीं लॉस किया, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, फिर एक हॉर्स चला गया तो उस पर रोने की क्या जरूरत है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रायो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सूरे, व्हाट गुड इज ए सूरे विदाउट ए हॉर्स, फिर कहते हैं क्योंकि जॉन ब्रायो ये ओरिजिनल ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं उस वाइट हॉर्स के जिनकी हॉर्स चोरी गई है, वो कहते हैं कि एक सिटी ड्वेलर के लिए तो ठीक है क्योंकि सिटीज़ में तो हॉर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको गांव में गांव का मज़ा लेना है तो उसमें तो हॉर्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट गुड इज़ ए सूर्य विदाउट ए हॉर्स, बिना हॉर्स के सूर्य का क्या मज़ा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, और अंकल खुसरो का फिर से वही नपतुला फेम डायलॉग, वो जिन जो पॉपुलर डायलॉग वो बोलते हैं वही बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन ब्रायो से, जॉन ब्रायो कहते हैं 10 miles चल के मैं आया हूँ यहाँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउट, फिर खुसरो चिल्ला के बोलते हैं कि आपके पास पैर है, पैर से चल के आ गए, हो गया अब क्या। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर से, जॉन ब्रायो कहते हैं कि चलते चलते मेरा पाया पैर दर्द करने लगा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, फिर से चिल्ला के बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फिर वो जॉन ब्रायो कहते हैं ये $60 का मेरा हॉर्स था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और इतने सुनने के बाद में परेशान हो जाते हैं जॉन ब्रायो और इंसल्ट फील करते हैं और उठ के वापस चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ ए जेंटल हर्ट, सी सेड, फिर मदर बताती है ही हैज़ ए जेंटल हर्ट, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और फिर वो थोड़ा फेवर भी करती है कि ये लार्ज मैन है, लेकिन वो इस तरह से बोलते हैं लेकिन इनका सॉफ्ट हार्टेड हैं, दिल से बुरे नहीं हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, जॉन ब्रायो तो चले जाते हैं लेकिन आरम दौड़ के मुराद के पास आता है, मुराद के घर आता है। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हॉट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, उस समय एक पीच ट्री के नीचे बैठ के आरम मुराद अब उसके हाथ में एक छोटी चिड़िया होती है, रोबिन चिड़िया बर्ड होती है, जो थोड़ी सी इंजर्ड है, उसका विंग हर्ट हुआ है, उसको इसके विंग को रिपेयर कर रहा है, वो उड़ नहीं पा रही होती है तो उसको रिपेयर करता है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात भी कर रहा होता है। व्हाट इज इट्स, ही सेड, द फार्मर जॉन ब्रायो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स,
यू हैव हैड इट अ मंथ आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और आराम कहता है मुराद को कि जॉन ब्रायो जो घोड़े के मालिक हैं वो हमारे घर आए थे अभी अभी, और तुमने उनके घोड़े को एक मंथ से चुरा के रखा हुआ है, और वो अपने घोड़े की चर्चा कर रहे थे, तो अपना घोड़ा उसे उन्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें उनका घोड़ा अभी लौटाना नहीं है। अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मुझे घुड़सवारी करना नहीं आ जाता, जब तक मैं नहीं सीख पाता घुड़सवारी, तब तक उनके घोड़े को लौटाना नहीं। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद से, लेकिन मुराद कहता है कि तुम्हें एक साल लगेगा घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सेड, लेकिन आराम कहते ठीक है तो एक साल रख लेंगे। माई कज़न मुराद लिप टू हिज फिट वट ही रोड, फिर वो नाराज़ हो जाता है। मुराद कहता है आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू ए स्टिल, इसका मतलब कि तुम तो एक गैरोग्लेनियन फैमिली के मेम्बर को चोरी करना सिखा रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, और मुराद कहता है कि नहीं नहीं, घोड़ा को तो उसके मालिक के पास लौटा ही देना होगा। वेन आई सेड इन सिक्स मंथ्स एट द लेटेस्ट, ही सेड चलो कम से कम छः महीने तो। ही थ्रीव द बर्ड इन टू द एयर, फिर वो रोबिन बर्ड को आकाश में उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड आकाश ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लीव अवे हाई एंड स्टेड, वो चिड़िया बहुत कोशिश करती है उड़ने का, दो बार गिर भी जाती है, लेकिन फाइनली वो उड़ जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर टू वीक्स माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वेयर हाइडिंग इट एंड रोड इट, तो नेक्स्ट टू मंथ्स तक दोनों ही बच्चे मुराद और आरम उस घोड़े को जहाँ वो छुपा के रखते थे डिजर्टेड वाइन यार्ड में, वहाँ से रोज़ लाते थे और रोज़ सुबह इन्जॉय करते थे हॉर्स राइडिंग को। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिप्ड ओवर ग्रेप वाइंस एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और हर बार हर दिन जब मुझे आराम कहता है कि जब मैं अकेला हॉर्स राइडिंग करता था तो हॉर्स सीधा इरीगेशन डीज की तरफ ना जाके ग्रेप वाइंस की तरफ खेतों में चला जाता था और स्मॉल ट्रीज के होते हुए जाता था जहाँ मैं गिर जाता था और फिर वो घोड़ा भाग जाता था। नेवरथलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रो, लेकिन कज़न जिस तरह से इंजॉय करता था हॉर्स राइडिंग को वैसा मैं नहीं सीख पाया, ये आराम कहता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेसवेजियंस डेजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन ब्रायो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, और एक दिन उन बच्चों का जब वो अपने घोड़े पे हो रहे होते हैं, घोड़े के साथ होते हैं, उनका जो असली मालिक है जॉन ब्रायो, उनसे उनका इनकाउंटर हो जाता है, आमने सामने पड़ जाते हैं। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद से, और कज़न जो मुराद है वो आराम को चुप करा देता है, बोलता है कि मुझे ही बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मैं फार्मर्स को समझा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो माई कज़न मुराद से टू द फार्मर, गुड मॉर्निंग कहता है, विश करता है उनको। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और सामने खुद का ही घोड़ा देख के वो जॉन ब्रायो काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही शेड, वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर पाते कि वो हॉर्स उनका ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य कोई चोरी नहीं कर सकता है। और फिर उसका नाम पूछते हैं कि इस घोड़े का, अपने घोड़े का नाम तुमने क्या रखा है। माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, ए लवली नेम जॉन ब्रायो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, और जॉन ब्रायो कहते हैं बहुत खूबसूरत घोड़ा है और इस खूबसूरत घोड़े का नाम भी काफ़ी खूबसूरत है। आई कुड स्वियर इट इज़ द हॉर्स
दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो मे आई लुक इन टू हिज माउथ. फिर ऑफ कोर्स फिर द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ ही शेड आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. और बिल्कुल अपने घोड़े को सामने देख के भी वो उन्हें जॉन ड्राइवर को विश्वास नहीं होता है कि वो उनका ही घोड़ा है, क्योंकि गैरोग्लेनियन फैमिली का इतना एक ट्रस्ट और ऑनेस्टी जो उनका हॉलमार्क है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी इमेजिन भी अपनी कल्पना में भी ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई गैरोग्लेनियन फैमिली का मेंबर कोई चोरी कर सकता है. फिर वो कहते हैं दांत मुंह भी देखते हैं दांत भी देखते हैं सब सेम टू सेम हो पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता तो मैं इस घोड़े को अपना घोड़ा कह सकता था. द फेम ऑफ योर फैमिली ऑफ ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. आप लोग कितने ईमानदार हो ये मुझे पता है. येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. लेकिन ये जो तुम्हारा घोड़ा है बिल्कुल ट्विन है मेरे हॉर्स का ही. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. और फिर इतना कह के और ये भी कहते हैं कि एक जो सस्पिशियस मैन है वो कहाँ बिलीव करते हैं, अपने आँखों पे, अपने हार्ट पे बिलीव नहीं करते. और इतना कह के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. गुड डे जॉन ब्रायो. माई कजिन मुराद सेड अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू जॉन ब्रायोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार. और नेक्स्ट डे ही उस घोड़े को जॉन ब्रायो के वाइन यार्ड में ले जाके और उनके बार में बांध दिया जाता है वहीं. द डॉग्स फॉलोड अस. जो डॉग्स थे उनका पीछा करते हैं अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, लेकिन कोई आवाज़ नहीं करते डॉग्स. द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क. आरम तो एक बार डर ही जाता है, उसको लगता है कि डॉग पीछा कर रहे हैं वो चिल्लाएंगे और फिर ये पकड़े जा सकते हैं. दे वुड एट सम बडी एल्स ही सेड. लेकिन मुराद काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो कहता है कि नहीं नहीं वो डॉग्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो किसी दूसरे का पीछा कर सकते हैं, किसी दूसरे पे बार कर सकते हैं. आई हैव ए वे विद डॉग्स. और वो कहता है कि डॉग के साथ भी मेरा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है. माई कज़न मुराद पुट हीज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं घबराता है मुराद. वो हॉर्स को बांध आता है जॉन ब्रायो के वाइनयार्ड में और उसका पीठ थपथपाता है. एक्सप्रेस्ड हीज नोज इन टू द हॉर्स नोज. अपना नाक उसके नाक में प्रेस करता है, पैटेड इट, थपथपाता भी है उसे प्यार से. एंड देन वी वेंट अवे. फिर वापस आ जाते हैं दोनों बच्चे. दैट आफ्टरनून जॉन ब्रायो केम टू आवर हाउस इन द सूर्य. और उसी दिन आफ्टरनून में जॉन ब्रायो आराम के घर आते हैं एंड सूड माई मदर. काफ़ी खुश हैं वो, बहुत ही डिलाइटफुल हैं इन हिज सूर्य. एंड सूड माई मदर द हॉर्स. अपनी आराम की माँ को अपना घोड़ा दिखाते हैं दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. और कहते हैं कि यही घोड़ा मेरा चोरी हो गया था और अब वो रिटर्न हो गया है, वापस आ गया है. आई डू नॉट नो वाट टू थिंक ही सेड. और वो कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं मुझे नहीं पता. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर. लेकिन हमारा हॉर्स तो पहले से भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है. बेटर टेम्पर्ड टू. और वो बेटर टेम्पर्ड भी हो गया है, काफ़ी अच्छा एटीट्यूड भी वो दिखा रहा है, उसका मेंटल कंडीशन भी ठीक है. आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड. और फिर अंकल खुसरो भी वहीं आगे वाले रूम में ही थे, लेकिन
थैंक्स गॉड, क्वाइट मैन क्वाइट। वो बोल उठते हैं, आप चुप भी हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौट आया है, पे नो अटेंशन टू इट, आप कोई अटेंशन मत दो, थैंक यू। तो इसी नोट के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑल दिस टेक्स्ट एक्सरसाइजेस। थैंक यू।